हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी करंट अफेयर्स फ्रॉम 5th to 7th February। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। इंडिया श्रीलंका के इश्यूज। इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर है श्रीलंका, पर इनके साथ हमारे काफ़ी सारे चैलेंजेस और इश्यूज भी रहते हैं। उसमें से एक जो है अभी न्यूज़ में अपीयर हुआ है, इसको डिटेल में कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है मेन्स आईआर के लिए। क्वेश्चन इज हाईली प्रोबेबल ऑन दिस कंट्री, ठीक है। उसके बाद पंचायत इश्यूज। पंचायत हमारा GS2 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके लिए हमें कंटेंट बिल्ड करना जरूरी है। एंड उसके लिए ही एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट में से पंचायत रिलेटेड डाटा आया है, वो हम लिख लेंगे। देन UCC, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम GS2, पॉलिटी यूनिवर्सल सिविल कोड, ठीक है। उत्तराखंड में इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। सो वी विल स्टडी अबाउट UCC एंड वी विल सी डज द स्टेट लाइक उत्तराखंड हैज द पावर टू इंप्लीमेंट इट और नॉट, या सेंट्रल लेवल पे ही हो सकता है, ठीक है। फोर्थ PM सूर्य उदय योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम ऑलरेडी दो बार डिस्कस कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अयोध्या मंदिर के आइडल वर्शिप के बाद भी इसको अनाउंस किया था स्कीम में। देन इंटरिम बजट में भी इसका रिइटरेशन हुआ है, और अब कुछ डिटेल्स आएंगे इस स्कीम पे, कुछ एक दो पॉइंट्स एडिशनल है वो हम डिस्कस करेंगे। देन इन्वेसिव स्पीसीज का रेफरेंस था न्यूज आइटम में। सो न्यूज आइटम हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, और मेन्स साइंस और इन्वायरमेंट सेक्शन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन डिटेल। बहुत हाई स्कोप है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है, और ये इंक्रीजिंगली बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। लास्ट ईयर 23 सितंबर के अराउंड भी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स द क्वेश्चन इज लाइकली ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। देन डस्टेड अपोलो, ये कुछ प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं। स्पीशीज बेस्ड क्वेश्चंस प्रीलिम में पूछे जाते हैं, तो ये एक बटरफ्लाई नई स्पॉट हुई है, इसका नाम याद रखेंगे। कलारी पेट्टू अगेन मार्शल आर्ट फॉर्म है, कल्चर बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। ग्रैमी अवार्ड इस साल के अनाउंस कर दिए गए हैं, 66th edition, इनको हम देख लेंगे। प्रीलिम्स के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, मेंस में कोई रोल नहीं है इसका। एंड फाइनली पंजाब से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट है दैट वी विल राइट, ठीक है जी। ये हमारी डिस्कशन होने वाली है। आई होप दी डिस्कशंस आर हेल्पिंग यू। प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन वॉट एवर रिक्वायरमेंट्स यू हैव, वी विल कीप ब्रिंगिंग अप प्रोग्राम्स इन दैट रिगार्ड। ऑलरेडी हमारे काफी सारे कोर्सेज चल रहे हैं, आपको हमारे साथ इंटरैक्ट करना है, आपकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है, हमारे प्रोग्राम्स के बारे में जानना है, जस्ट मैसेज अस ऑन दिस नंबर, वी आर अवेलेबल टू यू, ठीक है। आप द यू कैन जस्ट राइट योर नेम, सेंड अस अ व्हाट्सएप नंबर, यू विल गेट अ डेडिकेटेड टाइम जो तो तुम गल कर सकते हो, और जस्ट कॉल अप ऑन दिस नंबर एज सुन एज आई एम अवेलेबल, आई विल टेक अप योर कॉल, ठीक है। बाकी तुम siddhipunjab.com ते जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, सिलेबस देख सकते हो, प्रीलिम्स मेन्स का रेफरेंस बुक्स जिहड़ियां चाहीदियां हैं। साने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है मैंने, स्ट्रैटेजी फॉर एग्जाम प्लेलिस्ट समथिंग लाइक दैट होएगा। सो पंजाब PCS स्ट्रैटेजी, उस प्लेलिस्ट यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट पंजाब PCS एग्जामिनेशन, राइट। कोई भी इशू हो यू कैन डायरेक्टली कम इन कॉन्टैक्ट विद मी थ्रू दिस नंबर। सो फर्स्ट टॉपिक कर लेने हैं, इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इशू। सबसे पहले इंडिया श्रीलंका करते हैं, राइट। एज यू ऑल मस्ट बी अवेयर, श्रीलंका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेबर ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे यू विल सी श्रीलंका। इन दोनों के टाइज अप्स एंड डाउन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए। इंडिया की सारी नेबरिंग कंट्रीज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक नेबर पे तो क्वेश्चन आता ही है यूजुअली, राइट। सो श्रीलंका अब न्यूज में है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। श्रीलंका से रिलेटेड वन पर्टिकुलर इशू दैट इंडिया फेसेस इज द इशू ऑफ फिशरमैन, राइट। अब होता क्या है, अब देखिए कि ये जो वाटर्स है यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, बताएंगे आप कौन सी लिंकिंग वाटर बॉडी है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे, राइट। सो यहाँ पे जितना भी ये कोस्टल एरिया है यहाँ पे फिशिंग बहुत चलती है, यहाँ लोगों का मेन इकोनॉमिक लाइवलीहुड ही फिशिंग है,
राइट, दोनों तरफ से, इंडिया की तरफ से भी फिशरमैन आते हैं, श्रीलंका की तरफ से भी. अब देखिए इंडिया की कंडीशन यूनिक है, इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, रिलेटिवली हमारी परचेजिंग पावर भी बेटर है श्रीलंकन साइड से. तो इंडिया के फिशरमैन के पास काफी एडवांस्ड इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी वगैरह उनके हाथ में होती है. सो इंडियन फिशरमैन इंक्रीजिंगली वो टेक्नोलॉजी यूज करके, मोटर बोट्स यूज करके, ट्रॉलर्स, मॉडर्न ट्रॉलर्स यूज करके बहुत सारी फिशरी जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं. राइट, इन्होंने बॉटम ट्रॉलर्स एक टेक्नोलॉजी होती है. राइट, बॉटम ट्रॉलिंग के बारे में बता देती हूं. जैसे नाम कह रहा है, बॉटम ट्रॉलिंग, बिल्कुल नीचे सरफेस पे जाके आप फिश निकाल रहे हैं. ऊपर से तो हमने इतनी फिश निकाल ली है कि ऊपर अब इंडियन वाटर्स में ज्यादा फिश कैच फिशरमैन को नहीं मिल पाता, स्पेशली कमर्शियल लेवल पे. तो अब फिशरमैन क्या कर रहा है, और डीप में जा रहा है, और उसके लिए वो क्या यूज करते हैं, बॉटम ट्रॉलर्स. ऐसे फिशरमैन की फिश होगी, इससे ये नेट अटैच्ड होता है, ये बिल्कुल सी के सरफेस तक पहुंच जाता है और सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे रन करता है. राइट, सो इससे क्या है, फिश कैच तो बहुत अच्छा मिलता है फिशरमैन को, बट इशू क्या है, इकोलॉजिकल इशू बहुत बड़ा क्रिएट करता है. जैसे आप यहां देख सकते हैं, बहुत ज्यादा डस्ट प्लूम क्रिएट होता है. यहां जितने भी कोरल्स हैं, प्लांट स्पीशीज है, फिश स्पीशीज है, या अदर इक्वेटिक एनिमल्स हैं जो ये बॉटम लेवल पे रह रहे हैं, उनका पूरा इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है इस बॉटम ट्रॉलिंग की वजह से. ठीक है, पूरा सरफेस को ये उजाड़ देते हैं, आप समझिए. और इतनी ज्यादा डस्ट हो जाती है, जैसे हमारे यहाँ डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, हम सांस ले पाते हैं, बहुत लोग मर जाते हैं अस्थमा की वजह से या बिकॉज ऑफ मेनी इशूज, वैसे ही यहाँ इतना डस्ट प्लूम उठता है कि यहाँ पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है. राइट, सो ये तो इकोलॉजिकल चैलेंज हो गया. राइट, अब ये बॉटम ट्रॉलिंग जो है बहुत ही ज्यादा इंडियन फिशरमैन के द्वारा यूज की जा रही है, क्योंकि अपर लेवल पे फिश रही ही नहीं है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, दे आर यूजिंग मोर एंड मोर बॉटम ट्रॉलिंग ऑल्सो. सो इससे क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आ रहा है, और फिश अवेलेबिलिटी स्पेशली ऑन इंडियन वाटर, इंडियन साइड ऑफ द वाटर्स इज डिक्रीजिंग. राइट, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये इंडिया है, यहां श्रीलंका है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स देर इज अ लाइन. ठीक है, इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री या लाइन आप कह सकते हैं. राइट, इंडियन फिशरमैन को इस लाइन के उस तरफ ही रहना है, इंडियन साइड पे ही रहना है. इफ दे क्रॉस दिस लाइन, देन ऑब्वियसली श्रीलंका इसे ब्रीच समझेगा, और दे कैन अरेस्ट एंड दे कैन परस्यू दी, यू नो, परसिक्यूट दी फिशरमैन ऑफ इंडिया. तो यही होता है, फिश की तलाश में जो ये फिशरमैन है इंडियन साइड से निकल निकल के, दे आर रीचिंग टुवर्ड्स दी श्रीलंकन वाटर्स ऑल्सो. राइट, हमारी साइड पे जो फिश कैच है वो कम होता जाता है बिकॉज ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी दैट फिशरमैन इज यूजिंग, बॉटम ट्रॉलिंग दैट फिशरमैन इज यूजिंग. सो हमारी साइड पे फिश कैच जो है रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है. सो और फिश पकड़ने के चक्कर में हमारा फिशरमैन क्या कर रहा है, वो श्रीलंकन वाटर्स में चला जाता है. नाउ जब वो श्रीलंकन वाटर में जाएंगे, एक तो आप इंटरनेशनल लॉ ऐसी ब्रीच कर रहे हैं तो आपको अरेस्ट कर सकते हैं, पर श्रीलंका के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है. आप उनके फिशरमैन के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे ना, कि अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी लेके उनके वाटर में जाके फिश निकालेंगे तो उनके बेचारे फिशरमैन क्या करेंगे, है ना. सो श्रीलंका के लिए ये काफी बड़ा कंसर्न है, जस्ट लाइन क्रॉसिंग का इशू नहीं है, बट उनकी खुद की फिशरमैन जो है, दे आर वेरी मच डिस्टर्ब्ड बाय दिस फिनोमिना ऑफ इंडियन फिशरमैन कमिंग इनटू द श्रीलंकन वाटर्स एंड गेटिंग द फिश दैट इज अवेलेबल. इसी वजह से श्रीलंका में काफी ज्यादा इंडियन फिशरमैन के अरेस्ट देखे गए हैं. राइट, एंड दैट इज वाई दिस इज इन न्यूज, क्योंकि अभी रिसेंटली 69, जब से ये साल शुरू हुआ है, आप देखिए जनवरी निकला है, अभी तक इंडिया के 69 फिशरमैन को श्रीलंकन साइड ने अरेस्ट कर लिया है. दिस इज अ वेरी बिग कंसर्न, क्योंकि अगर आप पिछले पूरे साल में देखें तो 240 फिशरमैन पकड़े गए थे इन द इंटायर 2023, पूरे साल में 240 पकड़े गए थे, और अभी तक आप समझ लीजिए फेब 24 तक, फेब तो अभी शुरू ही हुआ है, 69 फिशरमैन श्रीलंका में इंडिया के पकड़े गए हैं. दिस इज अ वेरी बिग कंसर्न, क्योंकि इंडियन साइड पे इनकी फैमिलीज कंसर्न होती हैं. अब ये श्रीलंका में जाके अरेस्ट हो गए हैं, इनकी बोट्स, इनकी टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट सब श्रीलंका कैप्चर कर लेता है. राइट, सो अब फर्स्ट इशू तो आपके लोग
अरेस्ट हो गए हैं। दूसरा इशू कहाँ आता है, इनके इक्विपमेंट्स, इनकी बोट्स भी श्रीलंकन साइड जो है वो कैप्चर कर लेती है। जब तक ये जुडिशरी के थ्रू, केस के थ्रू रिलीज होते हैं, आपको पता ही है जुडिशरी, हर जगह की जुडिशरी तारीख के तारीख पे तारीख वाला फिनोमिना ही चलता है, डीलेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब तक ये छुटेंगे, इनके इक्विपमेंट्स छुटेंगे, तब तक बहुत देर हो जाती है। इनकी बोट्स, इनके इक्विपमेंट्स, दे आर रेंडर्ड यूजलेस एज वेल। ठीक है, सो मतलब आपको ह्यूमनिटेरियन इशू तो है ही कि आपके फिशरमैन अरेस्ट हो रहे हैं, उससे बड़ा इशू क्या है, इकोनॉमिक लॉसेस भी इस फिशरमैन को अरेस्ट होने की वजह से देखे जा रहे हैं, राइट। सो ये बहुत बड़ा कंसर्न है स्पेशली इंडिया के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया श्रीलंका के साथ बैठ के इस इशू का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर लाए, राइट। सो वो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये चैलेंज आपने हमेशा मेंशन करना है इंडिया श्रीलंका के टाइज को। ये फिशरमैन का इशू काफ़ी डिस्टर्ब करता है। ऑब्वियसली जब श्रीलंका वाले हमारे फिशरमैन को उठा लेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ता है कि उनको छुड़ाओ, राइट। अगर इंडिया छुड़ाने के लिए प्रेशराइज करेगा श्रीलंका को, देन श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशंस डिस्टर्ब होंगे। इसी वजह से ये फिशरमैन का इशू काफ़ी कंसर्निंग है, राइट। सो अब हमें रिक्वायर्ड है कि हम कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स ले इस इशू से रिलेटेड, सो दैट बायलेटरल इशू, बायलेटरल रिलेशंस भी हार्म ना हो और फिशरमैन का जो जेन्युइन कंसर्न्स है वो भी ध्यान में रखे जाए, ठीक है। तो उसके लिए इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया श्रीलंका, पहले तो देखिए इन्होंने डिसाइड किया था, इंडिया और श्रीलंका ने, कि ये मिलके जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाएंगे ऑन फिशरीज, ठीक है। यानी कि हर साल ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप में, लेट्स से कि 3-4 लोग इंडिया के हो गए, 3-4 लोग श्रीलंका के हो गए ब्यूरोक्रेट्स, वो बैठ के बातचीत करेंगे, ठीक है। कोई भी इशू हो तो बायलेटरली यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, जुडिशरी तक ना जाए या बड़ा लीगल प्रोसेस ना बने, ठीक है। इससे क्या होगा, क्विक हो जाएगा ना प्रोसेस। अगर फिशरमैन आ भी गए हैं तो श्रीलंका हमें कंप्लेंट कर सकता है, हम उन फिशरमैन को अपनी साइड पे अरेस्ट कर ले या कुछ और मेजर्स ले, राइट। सो ये डिसाइड किया गया था कि ऐसा जॉइंट वर्किंग मैकेनिज्म लाया जाएगा। 2016 में ये डिसाइडेड था कि ये हर साल 2-3 बार मिलेंगे जरूर बैठ के और बातचीत करेंगे, इशूज को सॉल्व कर लेंगे बैठ के। बट एक्चुअल में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ये 2-2 साल तक मुश्किल से मिलते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप का जो इनिशिएटिव एनविसेज किया गया था 2016 में कि ये हर 3 महीने में एक बार जरूर मिलेंगे, ये एक्चुअली इंप्लीमेंट होना चाहिए अगर इंडिया श्रीलंका सीरियस है टू रिजॉल्व द बायलेटरल इशू ऑफ फिशरमैन, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपने याद रखना है, ये आप एक रिकमेंडेशन में लिख सकते हैं, जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज शुड बी एस्टैब्लिश्ड विद यू नो हु हैव द टॉक्स एवरी 3 months और फ्रीक्वेंटली टू सॉल्व द इश्यूज इन अ स्विफ्ट मैनर, ठीक है। देन इंडिया को ये भी चाहिए कि बॉटम ट्रॉलिंग की प्रैक्टिस को रोका जाए, क्योंकि ये इकोलॉजिकली भी हार्मफुल है और फिशरमैन को हार्म कर रही है, हर साइड के फिशरमैन को हार्म कर रही है। तो डीप सी फिशिंग वगैरह प्रमोट कर सकते हैं, बट बॉटम ट्रॉलिंग की जगह कुछ इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी इंडियन गवर्नमेंट को फिशरमैन तक पहुंचानी चाहिए, राइट। दिस इज व्हाट यू कैन राइट इन द सॉल्यूशंस, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, बॉटम ट्रॉलिंग को भी थोड़ा पढ़ लीजिए, ये इफेक्ट्स मैंने आपको समझाए हैं, थोड़ा रीड कर लीजिए, यू विल गेट टू नो कि इसके क्या इश्यूज हैं और, राइट। सो ये है हमारा इंडिया श्रीलंका का रीसेंट इशू। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, पंचायत के इश्यूज। पंचायत हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS2 का, राइट। सो पंचायत्स क्या होते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड, रूरल एरियाज में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। आपके देखो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो इंडिया लेवल पे गवर्न करती है पूरी कंट्री को, देन आप स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, राइट, जो हर एक स्टेट को यू नो गवर्न करती है। देन यू हैव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो इन द कंट्री वैसे तो, राइट। बट अगर आप गवर्नमेंट लोकल लेवल पे स्टेट के नीचे गवर्नमेंट को देखें तो उन्हें हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट्स। और लोकल गवर्नमेंट्स में क्या क्या आता है, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में आपके क्या होती हैं, पंचायत्स, या जिसे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। अर्बन एरियाज में क्या होती हैं, म्युनिसिपैलिटीज,
ठीक है, जो चंडीगढ़ का इशू आप देख रहे ही होंगे, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, राइट। जो चंडीगढ़ में इलेक्शंस हुए वो ये म्यूनिसपैलिटी के इलेक्शन की बात चल रही है, राइट। सो यहाँ हमें आरबीआई की एक नई रिपोर्ट से, 2023 में ये रिपोर्ट आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आरबीआई की। ये रिपोर्ट क्या कह रही है, दैट पंचायत्स जनरेट जस्ट 1% ऑफ देयर रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स सोर्सेज दैट आर लेवाइड बाय देम ओनली, ठीक है। जैसे हमने बजट सेशन में भी डिस्कस किया था, ये गवर्नमेंट्स देखिए, हर लेवल की गवर्नमेंट बहुत सारे काम सिटीजन्स के लिए करते हैं, राइट। सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, सैनिटेशन, फूड डिलीवरी, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो ये गवर्नमेंट्स करती हैं। इवन लोकल लेवल पे ये पंचायत जो हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन नंबर ऑफ टास्क दैट दे आर डूइंग फॉर यू, आपको पता भी नहीं होता, बट ये बहुत सारे काम इन्हीं की जिम्मेदारी है। हर रोज कूड़ा कौन लेके जाता है आपके घरों में से, सैनिटेशन वर्क दैट इज बीइंग डन लोकल लेवल पे, रोड रिपेयर मेंटेनेंस का काम कौन कर रहा है, बिजली पानी कौन देख रहा है, सो ऑल ऑफ दिस, इलेक्ट्रिफिकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, रूरल हाउसिंग, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ये सब लोकल लेवल पे पंचायत या म्यूनिसपैलिटीज का ही काम होता है, राइट। अब देखो, गवर्नमेंट्स का काम तो हमने देख लिया, बट ये काम करने के लिए पैसा भी चाहिए, बिना पैसे के काम थोड़ी होगा, ये सब बनाने के लिए पैसा चाहिए, राइट। तो वो पैसा इन गवर्नमेंट्स के पास कहां से आता है, ये बजट के टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो उधार लेना सबसे बड़ा सोर्स तो वही होता है हमारी गवर्नमेंट्स के लिए, इवन लोकल लेवल के लिए, बोरोइंग्स जिसे कहते हैं। दूसरा बड़ा सोर्स क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टैक्स जो लगाते हैं गवर्नमेंट्स हमारे ऊपर, वो, राइट। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे क्या हो गया, यूजर चार्ज हो गया, राइट। लेट्स से कि कोई पार्क बना दिया गवर्नमेंट ने, उसके लिए आपको उस पर पे करना है पार्क के अंदर जाने के लिए, या जैसे पार्किंग फी आप कहीं कहीं जगहों पे फेस करते हैं, सिटीज में अगर रहते हैं तो आपने बहुत कॉमन फिनोमिना देखा होगा पार्किंग फी का, राइट। वो सब ये नॉन टैक्स रिसोर्सेज, या आप उनको यूजर चार्जेस की कैटेगरी में देख सकते हैं। प्रॉपर्टी पे कुछ चार्जेस लगते हैं, वाटर पे चार्जेस लगते हैं, सम ऑफ दोज फैक्टर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू नॉन टैक्स रिसोर्सेज। जो सीधा टैक्स है वो तो टैक्स में ही जाएगा, बट सम ऑफ द एडिशनल फीस एक्सेट्रा दे आर कैटेगराइज्ड इनटू नॉन टैक्स रेवेन्यू, राइट। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट्स है, इनको ग्रांट्स भी मिलती हैं, ग्रांट्स यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट भी इनको कुछ कुछ पैसा देती हैं काम करने के लिए, ठीक है। सो ये मेन इनके सोर्सेज हैं पैसा कमाने के, जिसके थ्रू ये काम करेंगे, राइट। अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है, सिर्फ 1% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ पंचायत्स वाज अर्न्ड बाय देम, खुद के टैक्स नॉन टैक्स रिसोर्सेज से इन्होंने अपना सिर्फ 1% रुपया कमाया है। कहने का मतलब है, एक पंचायत के पास 100 रुपए हैं तो सिर्फ 1 रुपया वो खुद कमा रहे हैं, बाकी सारा मेजरली ग्रांट्स पे वो डिपेंडेंट है, राइट। बोरोइंग्स लोकल लेवल पे कम होती हैं कंपैरेटिवली, ग्रांट्स पे बहुत डिपेंडेंस होती है, सेंटर और स्टेट से पैसा बहुत आता है इन स्टेट्स को, इनकी बहुत डिपेंडेंसी रहती है, राइट। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट कहती कि अगर ग्रांट्स पे ज्यादा डिपेंडेंस है, खुद के रिसोर्सेज अगर सिर्फ 1% है, 99% रिसोर्सेज के लिए यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर गवर्नमेंट्स, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली उससे क्या आता है, अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं वो अपनी ना कटाएगा कि नहीं, कहाँ लगा रहे हो पैसा हमें बताओ, कौन कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा रेस्टोरेंट खोलना है, अगर किसी से पैसा लेते हो साथ में उनकी इंटरफेरेंस भी आती है, यू हैव टू अग्री टू देयर रूल्स, देयर व्यूज, देयर परसेप्शंस ऑल्सो, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन यू और दे आर ग्रांटिंग द मनी टू यू। तो वही इशू इन पंचायत इंस्टीट्यूशंस के साथ होता है। सो ये रिपोर्ट कह रही है कि अगर पंचायत अपने रिसोर्सेज खुद जनरेट नहीं करेंगी, दे विल इटर्नली फेस द इशू ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट अपने अकॉर्डिंग इनसे काम करवाना चाहेंगी, राइट। सो ये बहुत बड़ा इशू है पंचायत से, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं, यही है इनको अपने फंक्शनिंग के लिए
ऑटोनमी नहीं मिलती है, ऑटोनमस फंक्शनिंग नहीं मिलती है. दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन स्टेट स्पेसिफिकली और द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो फॉर देयर रिसोर्सेज, फॉर देयर फंक्शंस, फॉर देयर टास्क, जिससे इनकी ऑटोनमी इम्पैक्ट होती है. राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एक याद रखना है आपने. देखिए यहां बताया हुआ है स्पेसिफिकली 80% ऑफ द रेवेन्यू वॉज फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स, 15% फ्रॉम स्टेट्स, यानी कि 95% यहां से ही आ रहा है, 1% खुद एंड आप समझ सकते हो 4% अदर वेज होंगे, कुछ बोरोइंग्स वगैरह वगैरह. राइट, सो ये काफी कंसर्निंग चीज है. अब देखो इस रिपोर्ट ने ये भी लिखा है कि ये बहुत सारे काम करती हैं. राइट, अगर ये पैसा स्टेट सेंटर से लेंगी दैट मींस इनकी इंटरफेरेंस भी बहुत रहेगी, ये ऑटोनमसली काम नहीं कर पाएंगी. इसके लिए रिपोर्ट का एग्जांपल भी देती है. ये कहती है चेन्नई की एग्जांपल देखो, चेन्नई में अगस्त में 2023 में बहुत सारे पंचायत के जो सरपंच थे वो धरने पे बैठ गए थे, प्रोटेस्ट पे बैठ गए थे. व्हाई? बिकॉज दे वर फेड अप विद द इंटरफेरेंस एंड द डिपेंडेंस दैट दे हैड ऑन द स्टेट और द सेंटर गवर्नमेंट. वो कुछ भी काम करना चाह रहे हैं, उन्होंने रोड बनानी है, पैसा है नहीं, पैसा लेने के लिए अब स्टेट के पास जाओ. राइट, सो दे वर फेड अप दैट दे आर नॉट एबल टू डिलीवर फॉर व्हाट दे हैव बीन इलेक्टेड, है ना. सो इसी वजह से दे वर सिटिंग ऑन प्रोटेस्ट. ये एग्जांपल भी दी गई है, ये आप लिखेंगे अपने आंसर्स में. राइट, सो इसीलिए द रिपोर्ट ऑब्जर्व्स कि अगर आप चाहते हैं कि लोकल बॉडीज जो है वो एक्चुअली इफेक्टिव हो, तो ये बहुत जरूरी है कि उनको इंडिपेंडेंस मिले, उनके खुद के रिसोर्सेज जो हैं वो ज्यादा जनरेट हो, एम्पावर्ड लीडर्स होने चाहिए. और आरबीआई की रिपोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जिस जिस एरिया में ये देखा गया है कि लोकल लीडर्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, दे आर ऑटोनमस, दे आर स्ट्रेंथेंड, वहां पे हेल्थ आउटकम्स, न्यूट्रिशन आउटकम्स भी बढ़िया देखे गए हैं, सुपीरियर टू एनी अदर प्लेस. राइट, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली पैसा है, वो क्लिनिक्स की मेंटेनेंस पे पैसा लगाएंगे, बच्चों की न्यूट्रिशन पे पैसा लगाएंगे, सैनिटेशन पे पैसा लगाएंगे. सो इसी वजह से ये आरबीआई रिपोर्ट कह रही है कि ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ लोकल लीडर्स नीड टू बी प्रमोटेड इफ वी वॉन्ट बेटर डेवलपमेंटल आउटकम्स एंड वी वॉन्ट टू इंश्योर एफिशियंट या गुड गवर्नेंस. ऑल दो दे आर नॉट इक्विवेलेंट, बट वैसे गुड गवर्नेंस आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आपकी लोकल बॉडीज दे आर ऑटोनमस, स्ट्रेंथन टू परफॉर्म देयर फंक्शंस इंडिपेंडेंटली. ठीक है, ये पूरी ऑब्जर्वेशन आरबीआई की रिपोर्ट की, ये ऑब्जर्वेशन प्लीज अपने पास लिख के रखिए. रिपोर्ट का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑन फाइनेंसिस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई रिपोर्ट ऑन फाइनेंसिस ऑफ पीआरआईज 2022-23. ठीक है, पिछले साल ये रिलीज हुई थी. इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, प्लीज नाम लिख के रखिए, ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह को मेंशन कीजिए, तभी नंबर मिलेंगे आपको आंसर में. राइट, सो दिस इज अबाउट द पीआरआईज. नाउ यूसीसी बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आई थिंक आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा. राइट, कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशनड है आप मुझे बताएंगे, ऑल दो इसमें आपको मिल जाएगा. आई वॉन्ट यू टू जस्ट थिंक अबाउट इट नाउ एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, कौन से आर्टिकल में ये मेंशनड है. राइट, सो अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है, बारी बारी न्यूज में आता ही रहता है, तो क्वेश्चन भी आप इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हो. यूसीसी है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है, अगर लेमैन की भाषा में बताऊं, अभी देखो मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, जैन है, बुद्धिस्ट है, बहुत सारी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, सबके अपने शादी के डाइवोर्स के तरीके हैं. मुस्लिम्स में आप देखिए तलाक तलाक चलता है, सिखों में यू नो टेक दोज, मतलब मैरिज का सिस्टम अलग है, हिंदुओं में अलग है. तो अब इशू क्या होता है कि कहीं कहीं ये प्रैक्टिसेस बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी हो जाती हैं. जैसे हिंदूज में बहुत देर तक विमेन को इनहेरिटेंस के राइट्स नहीं थे. ठीक है, मुस्लिम्स को जैसे तलाक तलाक कह के डाइवोर्स इवन फोन पे दिया जाता था बहुत टाइम पहले. सो ऐसी डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस अभी भी बहुत सारी जगहों पे एग्जिस्ट करती हैं. राइट, सो यूसीसी का क्या विजन है कि इन सिविल मैटर्स को, इनको सिविल मैटर्स कहा जाता है, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स,
इनहेरिटेंस, राइट, ऐसे ऐसे सिविल मैटर्स को कंडक्ट एक ही लॉ के अंडर किया जाना चाहिए, मतलब सबके लिए, हूएवर इज द सिटीजन ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, एक सेम लॉ होना चाहिए विच विल गवर्न देयर पर्सनल यू नो मैटर्स, पर्सनल मैटर्स लाइक मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, चाइल्ड की यू नो अडॉप्शन एंड ऑल दैट स्टफ, सो चाइल्ड की कस्टडी किसके पास रहेगी, ऑल ऑफ दोज सिविल मैटर्स शुड बी गाइडेड बाय वन सिंगल लॉ, दैट इज वॉट बेसिकली इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट. सो इसके प्रो जो इसको अच्छा मानते हैं वो लोग यही समझते हैं कि ये ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को एंड करने में हेल्प करेगा. जो भी हर रिलीजन में डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं, उनके लॉज में, पर्सनल लॉज में डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. बट अब कई लोगों को ये लगता है कि इस यूसीसी से आने की वजह से रिलीजियस या सेक्युलरिज्म पे भी इम्पैक्ट हो सकता है. आप यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में रिलीजियस प्लैरिटी जो इंडिया में है, रिलीजियस डाइवर्सिटी, रिलीजियस राइट्स की प्लूरालिटी जो है उसको आप हार्म कर सकते हैं, राइट. इसीलिए काफी डिबेट चलती रहती है. प्रेजेंट गवर्नमेंट चाहती है यूसीसी आए, बट देयर आर मेनी ओपोनेंट्स, जिसकी वजह से अभी ये कंक्रीट फॉर्म में इंडिया में नहीं देखा गया है, राइट. गोवा में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड के जैसा उनका खुद का एक लॉ है, गोवा पर्सनल कोड कंडक्ट काइंड ऑफ लॉ है जो चल रहा है, बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल भी रहा है. तो अब वैसे ही उत्तराखंड एक अपना यूसीसी बनाने की कोशिश कर रही है. सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट लाइक उत्तराखंड, इसको राइट है यूसीसी बनाने का, राइट. फ्रॉम वेयर डज इट गेट अ राइट, राइट. सो इसका आंसर ये है, आर्टिकल 162 कहता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट उस किसी भी सब्जेक्ट पे या मैटर पे यू नो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ले सकता है जिसपे उसको लॉ बनाने की पावर है, राइट. सो मतलब उत्तराखंड जहां जहां लॉ बना सकता है वहां वहां वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस भी ले सकता है, राइट. सो अब अगर जो उत्तराखंड है वो लॉ कहां कहां बना सकता है, ऑब्वियसली जो भी मैटर स्टेट लिस्ट में है या कंकरेंट लिस्ट में, राइट, इन्हीं सब्जेक्ट्स पे उत्तराखंड लॉ बना सकता है, इन्हीं पे ही एग्जीक्यूटिव डिसीजंस भी ले सकता है. तो अब अगर आप कंकरेंट लिस्ट की एंट्री 5 देखें, उसमें आता है मैरिज, डाइवोर्स, इन्फेंट्स, माइनर्स, अडॉप्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, जॉइंट फैमिली सक्सेशन, ये सब मैटर्स एंट्री 5 ऑफ कंकरेंट लिस्ट में है, राइट. सो मतलब क्या है, यहां पे उत्तराखंड लॉ भी बना सकता है और उससे रिलेटेड एग्जीक्यूटिव एक्शंस भी ले सकता है. सो दैट justifies Uttarakhand making UCC for now, right? So this is how Uttarakhand gets this power, right? ये कई कई बार questions आ जाते हैं, specially इस पे question आ सकता है prelims में कि ये marriage या कोई भी इसमें से एक term उठा लेंगे, adoption, joint family, succession, ये कौन सी list में है, union list, state list, concurrent list वगैरह वगैरह. तो यहाँ से अब याद रखना है ये concurrent list की entry 5 है, राइट. इस पे क्वेश्चन बन सकता है. बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वाटर कौन सी लिस्ट में है, एग्रीकल्चर कौन सी लिस्ट में है, पुलिस कौन सी लिस्ट में है. ये तो इजी वाले हैं, डिफिकल्ट वाले ये होते हैं, तो इसको अब ध्यान में रखना, राइट. सो दैट इज व्हाट इज अबाउट यूसीसी, ठीक है. यूसीसी के बेसिक्स है आर्ग्यूमेंट इन फेवर, आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट, ये पढ़ लेना. कुछ अच्छे पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं, बस समझा दिए हैं. जुडिशरी का रोल देखिए, वो भी सिग्निफिकेंट रहा है. जुडिशरी का क्या कहना है यूनिवर्सल सिविल कोड पे, तो सबसे पहली जजमेंट आई थी 1985 शाह बानु केस में, शाह बानु बेगम केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आर्टिकल 44 के अंडर डायरेक्टिव दिया गया है स्टेट को कि यूसीसी लाया जाए. सो वो अभी तक डेड रहा है, विच इज अ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन. गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इस रिगार्डिंग, तब उन्होंने ये कहा था. सेम ही चीज को सुप्रीम कोर्ट ने देन नंबर ऑफ केसेस में रीआइट्रेट किया, जैसे कि सरला मुद्गल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 95, जॉन वेलामैथम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, राइट. सो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि यूसीसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाना चाहिए, राइट. सो अभी भी कोर्ट के अंडर काफी सारी पिटीशंस डली हुई हैं,
रिगार्डिंग यूसीसी की यूसीसी आना चाहिए इंडिया में, कुछ रिजेक्ट होती हैं कुछ एक्सेप्ट हो जाती हैं, बट अभी कंक्रीट डिसीजन इस पर कोई नहीं आया है. बट यू शुड मैंशन दीज केसेज वेन यू आर राइटिंग अबाउट यूसीसी, राइट? दैट इज इट अबाउट यूसीसी. पीएम सूर्योदय योजना हमने ये पूरी डिस्कस कर ली है. 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के ऊपर सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस लगाने का ड्रीम है. अभी तो आप सारे देखिए फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी यूज़ करते हैं, स्पेशली घरों में. कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस में ऐसा हो गया है, कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर आप सोलर पैनल्स लगे देखेंगे, बट आम घरों में आप बहुत ही कम देखते हैं जहां पे सोलर रूफटॉप पैनल्स लगे हों. ठीक है, तो इस स्कीम का फोकस वही है कि घरों के ऊपर, हाउस होल्ड्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगाने हैं. एटलीस्ट 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को वो एक्सेस देना है. ठीक है, तो इसका ड्रीम यही है कि सोलर एनर्जी लगेगी तो ऑब्वियसली एक तो सबको एनर्जी एक्सेस मिलेगा, या जो पीएम मोदी ने वर्ड दिया था एनर्जी पॉवर्टी को एंड करने में ये हेल्प करेगा इंडिया में. जो गरीब या गरीब घर हैं जिनको एनर्जी का एक्सेस नहीं होता है, उनको भी इससे एनर्जी का एक्सेस मिलेगा अगर उनके घर के ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिया गया, राइट? सो ये होगा. जिनके पास एनर्जी है उनके बिल्स रिड्यूस होंगे. इट इज एस्टिमेटेड कि एनुअली 15K से 18K तक बिल जो है कम होगा, राइट? उससे जॉब्स क्रिएट होंगी. इस सोलर पैनल को मेंटेन करना, इंस्टॉल करना इन सब इंडस्ट्री में, ठीक है. उसके बाद बैटरी टेक्नोलॉजी चलेगी, ये पैनल्स वगैरह बैटरी वगैरह पे चलते हैं. हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम अचीव कर पाएंगे. हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट है जो नेट ज़ीरो हासिल करने की बाय 2070, हम उसको रियलाइज़ कर पाएंगे. तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की है, राइट? नया डाटा क्या है इसमें जो आपने देखना है, ये करंटली भी अगर आप अपने घर पे सोलर पैनल्स लगाते हैं आपको सब्सिडी मिलती है. लेट्स से आपका 1000 रुपया लगा है, इतना कम तो नहीं लगेगा, लेट्स से 1000 रुपया लगा है, सो उसमें से 40% 400 रुपया गवर्नमेंट देती है आपको. 600 रुपये आपको रेस्ट ऑफ द रुपीज देने पड़ते हैं. बट अब क्या होगा, इस स्कीम के बाद 60% यानी कि 600 रुपया गवर्नमेंट देगी और आप 400 रुपया देंगे. सो ये इस स्कीम का पहला फायदा होगा ग्राहक को, यानी कि इंसेंटिव किया जा रहा है और कंज्यूमर्स को कि आप ये लगाइए, आपको और भी ज्यादा सब्सिडी मिलेगी, राइट? बाकी दूसरा डाटा जो आज हमने याद रखना है, करंटली बहुत सारे ऐसे घर हैं, 80-85% इंडिया में ऐसे घर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 300 यूनिट से उनकी कम होती है, राइट? सो ये स्कीम उन्हीं लोगों को टारगेट करेगी जिनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 300 यूनिट से कम है, उनको बिजली काइंड ऑफ फ्री मिलेगी थ्रू दिस सोलर रूफटॉप पैनल्स. तो कहने का मतलब है ये बहुत सारी पॉपुलेशन को बेनिफिट करने वाली है इंडिया में, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, इसको याद रखें. ये हमने पहले कर लिया था, ये डाटा भी आपको याद रखना है. हमारा टारगेट है हाउस होल्ड्स के ऊपर सोलर रूफटॉप टॉप सिस्टम्स हमें लगा के 640 गीगावाट तक एनर्जी जनरेट करनी है. करंटली इंडिया सिर्फ 12 गीगावाट तक जनरेट कर चुका है. दिस इज द टारगेट एंड दिस इज वेयर वी आर. 1/4 मुश्किल से 1/4 के अराउंड हमने अभी तक अचीव किया है, राइट? सो इसीलिए ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी इस टारगेट को भी अचीव करने के लिए, राइट? ये सारे बेनिफिट्स हैं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी, सो रीड देम इफ यू हैव नॉट रेड देम टिल नाउ. सो दीज आर वेरियस कोर्सेज दैट वी आर रनिंग. माई पर्सनल मेंटरशिप कोर्स, अगर आपको पूरी अपनी प्रेपरेशन के दौरान यू नीड गाइडेड प्रेपरेशन, एक गाइड चाहिए जो आपको डायरेक्शन दे सके, जो आपको बता सके कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैठ के किसी से रेगुलरली बात कर सकें, राइट? अपने कंसर्न्स को डिस्कस कर सके. अगर प्रीलिम्स में मार्क्स नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, अगर आपको कुछ याद नहीं रह रहा तो क्यों याद नहीं रह रहा, उसकी टेक्निक क्या है, वो सब आप मेरे साथ बैठ के कर सकते हैं इन द मेंटरशिप प्रोग्राम. ठीक है, इसमें कुछ सेट ऑफ वीडियोस आपको, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी जिससे आपको बेसिक गाइडलाइंस मिलेंगी, और उसके बाद यू कैन टॉक टू मी एट एनी टाइम विद रिगार्ड टू योर प्रेपरेशन. आई विल बी चेकिंग मॉनिटरिंग योर परफॉर्मेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, उसके बाद
पंजाब स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज है, 4 मंथ की टेस्ट सीरीज है, डिटेल्ड इसे लगाइए अगर आप अपने सिलेबस को रिवाइज करना चाहते हैं। करंट अफेयर मैगजीन्स हमारी आपको पूरे पिछले साल की मिल जाएंगी, लेटेस्ट बिंग दिसंबर का एडिशन, ये भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड देन पॉलिटिका क्रैश कोर्स, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे या एनी अदर स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटी पढ़ ली है एंड दे वांट टू रेटिफाई पॉलिटी नाउ, इन 11 क्लासेस में यू विल बी एबल टू लर्न द इंटायर पॉलिटी, दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। आपको इसमें से किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर और विजिट आवर वेबसाइट www.siddhipunjab.com। राइट नाउ कोई भी कंसर्न हो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन दिस नंबर टू अस, विल हेल्प यू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इनवेसिव स्पीशीज। जैसे कि नाम कहता है, ऐसे स्पीशीज जो इन्वेड कर रहे हैं किसी और की जगह पे, राइट। सो इनवेसिव स्पीशीज ऐसे ही स्पीशीज होते हैं, लेट्स से ये आपका घर है, राइट। अगर मैं यहाँ पे आके घुस जाऊं आपके घर में, सो आई एम काइंड ऑफ एन इन्वेसिव स्पीशीज। मैं वहां आऊंगी, मैं एक कमरा रोक लूंगी, लेट्स से मैं अकेली आई हूं, मैं कहूंगी ये कमरा तो मेरा हो गया, मैंने आपकी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, मैं आपकी किचन में से आपका खाना चुराने लग गई, फूड ऑक्यूपाई कर लिया, आपका वाटर कंज्यूम कर लिया। इससे क्या होगा, आपको जो चाहिए वो रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे, इसकी वजह से आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा, आपकी न्यूट्रिशन पे इम्पैक्ट होगा, कहीं यू नो डेथ्स भी हो सकती हैं। लेमैन के तरीके से बता रही हूँ, दिस इज व्हाट इज इन्वेसिव स्पीसी, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी और की जगह पे आके बैठ जाता है, राइट। एंड ये इतना ग्रो करते हैं, मैं तो यहाँ अकेली थी बट दे दीज पीपल दे रिप्रोड्यूस अलॉट, राइट। और ये इतनी स्पेस, इतना फूड, इतनी एयर, इतना वाटर कंज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ के नेटिव को कंप्लीटली ख़त्म कर सकते हैं, डेथ, फूडलेस, वाटरलेस, सब कुछ बना सकते हैं, एयरलेस, क्लीन एयर, कुछ भी नेटिव्स के पास नहीं बचेगा अगर ये इन्वेसिव स्पीशीज यहाँ पे पहुँच जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई दीज आर अ बिग इकोलॉजिकल कंसर्न फॉर द इंटायर वर्ल्ड, राइट। सो दिस इज़ वॉट इज़ इन्वेसिव स्पीसीज, आप पूरी डेफिनेशन पढ़ के याद कीजिए, इस तरीके से लिख के आएंगे। एग्जाम्पल्स अगर आपको समझना हो, वाटर हाइसिंथ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपकी एनसीईआरटीज में भी मैंशनड है, इसी वजह से क्वेश्चन भी इस पर कभी कभी आते हैं। सो ये जो एग्जाम्पल्स है, लेंट्रा, ठीक है, ये भी एक श्रब है, आपको कई बार दिख भी जाती है रास्ते में, सो ये भी एक इन्वेसिव स्पीशीज है। सो इनके नाम थोड़ा याद रखिए, कई बार वो प्रीलिम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेसिव स्पीशीज, उनमें से इसका किसी का नाम लिखा हो सकता है। वाटर हाइसिंथ आजकल वो नहीं लिखते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है, सबको पता होता है। लेंटाना याद रखिए, ब्राउन रैट एंड हाउस मूज, ठीक है, उसके बाद ये वेरियस नेम्स मैंने दिए हुए हैं, थोड़ा एक बार इनके थ्रू गो थ्रू करना ताकि प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सको, उसके लिए ये रेलिवेंट है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि एक लेटेस्ट रिपोर्ट भी आई है, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, IPBES, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, 2023 नवंबर के अराउंड आई थिंक ये रिपोर्ट आई थी, असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज एंड देयर कंट्रोल, राइट। इन्वेसिव स्पीशीज पे डेडिकेटेड इन्होंने रिपोर्ट दी है। क्यों डेडिकेटेड रिपोर्ट इन इन्वेसिव स्पीशीज पे? बिकॉज दे आर अ वेरी बिग कंसर्न। जैसे आप रिपोर्ट में खुद देखेंगे, रिपोर्ट रिवील्स अप्रॉक्सीमेटली 37,000 इन्वेसिव स्पीशीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस, ठीक है, एंड मोर देन 3,500 ऑफ दीज आर इन्वेसिव स्पीसीज। एलियन और इन्वेसिव में थोड़ा फर्क है, एलियन मतलब फॉरेन स्पीशीज, इन्वेसिव मतलब जो आपको हार्म भी करती है, इन्वेड करती है नेटिव्स की जगह पे। अब देखो, इंडिया में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, दे आर एलियंस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इतना, बट देर आर सम एलियंस जो यहाँ पे आके हमारी जमीन ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, हमारी पॉलिटिकल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है, दे आर इन्वेसिव स्पीसीज, वी डू नॉट वॉन्ट, हमारे लिए कोई जगह नहीं रहेगी अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, राइट। सो दैट इज वाई इन्वेसिव स्पीसीज आर वेरी हार्मफुल फॉर नाउ,
ठीक है. तो ये बढ़ते जा रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से, दैट इज व्हाट दिस रिपोर्ट इज सेइंग. ठीक है, सो ये बड़ा कंसर्न है. क्या कारण होते हैं कि ये इन्वेजिव स्पीशीज आ जाते हैं, कैसे आते हैं, राइट? सो जनरल वेज, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वैसे ही ये साथ साथ में आपके इन्वेजिव स्पीशीज भी जाते हैं. एयर कार्गो में आ सकते हैं, शिप में जो आप सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं उनके साथ बैठ के ये इंसेक्ट्स वगैरह आ सकते हैं, रैट्स, इंसेक्ट्स, बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना. सो ब्लास्ट वाटर होते हैं पानी में, अगर आप ओशियन में देखें शिप के पीछे ये वाटर का काइंड ऑफ आप वो देखते हैं उबाल सा, ब्लास्ट वाटर समथिंग लाइक दैट उसको कहते हैं. इसमें भी फंस के बहुत सारी स्पीशीज जो हैं एक ओशियन से दूसरी ओशियन, एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडी में पहुंच जाते हैं. सो इन सब ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से ही जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, ट्रेड बढ़ रहा है, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड स्टफ इज इंक्रीजिंग, वैसे वैसे ये स्पीशीज का मूवमेंट भी एक जगह से दूसरी जगह बहुत बढ़ता जा रहा है. सो सबसे पहला फैक्टर इनकी ग्रोथ का यही है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड ट्रैवल. जितना ज़्यादा हम मूव कर रहे हैं हमारे साथ ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज भी मूव कर रहे हैं. सो बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया से जानवर यहाँ लेके आते हैं, ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया में लेके गए, ब्रिटेन से अमेरिका में लेके गए, अफ्रीका में लेके गए. ठीक है, उस तरीके से ये बढ़ रहे हैं. क्लाइमेट चेंज की वजह से भी काफ़ी इन्वेजिव स्पीशीज का जो है दबदबा बढ़ रहा है, उनके लिए कंड्यूसिव कंडीशंस बनती जा रही हैं कि वो दूसरी लोकेशंस में जाके भी सर्वाइव कर पा रहे हैं. ठीक है, उसके बाद कई की बार तो हम खुद ही अतरंगी चीज़ें करना चाहते हैं, दूसरी जगह से लाके यहाँ पे रखने में हमें बड़ा मज़ा आता है. हम खुद इंट्रोड्यूस करते हैं एग्जॉटिक स्पीशीज, एग्जॉटिक फूड, पता नहीं क्या क्या चाहो लोगों को होते हैं, उस वजह से भी ये काफ़ी इश्यूज आते हैं. ये कुछ फैक्टर्स हैं इन्वेजिव स्पीशीज़ के आने के. सो अब सबसे बड़ा इशू है कि इससे इम्पैक्ट्स क्या होते हैं. इम्पैक्ट्स वैसे मैं आपको सिंपलर वर्ड्स में समझा चुकी हूँ. जहाँ भी ये इन्वेजिव स्पीशीज जाएंगे वहाँ नेटिव्स के लिए काफ़ी इश्यूज क्रिएट करेंगे. नेटिव क्या होता है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, हैबिटेट, उनका वाटर, उनका फूड, उनकी ज़रूरत की चीज़ें ऑक्यूपाई करेंगे. जब उनकी ज़रूरत की चीज़ें ऑक्यूपाई करेंगे दैट मीन्स नेटिव्स के लिए जीवित रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए ये सब चीज़ें नहीं होंगी. सो दैट मीन्स हम नेटिव्स की डेथ देखेंगे, एक्सटिंक्शन भी देख सकते हैं, राइट? दिस रिपोर्ट इटसेल्फ सेज कि इन्वेजिव स्पीशीज का रोल बहुत बड़ा रहा है इन द एक्सटिंक्शन ऑफ सो मैनी नेटिव स्पीशीज. 60% ऑफ द डॉक्यूमेंटेड ग्लोबल प्लांट एंड एनिमल एक्सटिंक्शंस वो इन्हीं इन्वेजिव स्पीशीज की वजह से हुई हैं. जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए हैं 60% ऑफ देम हैव बीन बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज. इसीलिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है, राइट? बायोडायवर्सिटी लॉस के ये बहुत बड़े ड्राइवर्स हैं, वन ऑफ द 5 मेजर कॉसेस में ये आते हैं. बाकी और कॉसेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि लैंड एंड सी यूज चेंजेस, राइट? क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर चेंज, वो सब फैक्टर्स है, बट इन्वेजिव स्पीशीज का होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस बायोडायवर्सिटी लॉस में. देन सम इन्वेजिव स्पीशीज में बिकम प्रीडेटर्स ऑल्सो, राइट? इसलिए बड़ा कंसर्न है. सेकेंड, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं इनके. एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज हर 10 साल में 4 times इनका इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है, राइट? सिर्फ वही ही नहीं है, बट अगर आप देखेंगे कि इन 2019 इट इज सेड कि इन्वेजिव स्पीशीज की वजह से हमें 423 बिलियन का लॉस एनुअली हो रहा है 2019 के बाद से, राइट? 423 बिलियन डॉलर, वेरी बिग अमाउंट, इसे याद रखिएगा. और हर 10 साल में ये जो अमाउंट है वो 4 times होती जा रही है अकॉर्डिंग टू द डाटा बाय IPBES. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए.
इकोनॉमिक कॉस्ट कैसे आती हैं, ये जो ग्रासेस ग्रूसेस हैं या ये इन्वेजिव स्पीशीज है जैसे पाइप्स में घुस गए आपके, उनको क्लीनिंग मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन क्लीनिंग मेंटेनेंस में बहुत पैसा लगता है, इस टाइप की इकोनॉमिक कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा है, राइट। फूड सप्लाई पे ये इम्पैक्ट करते हैं, आपके नेटिव प्लांट्स वगैरह को ये ख़त्म कर देते हैं, उनकी जगह खुद ग्रो होने लग जाते हैं, तो आपकी फूड सप्लाई पे इम्पैक्ट आएगा। आजकल की बहुत सारी बीमारियाँ, जीका, इबोला, ये ट्रिमेंडस इश्यूज आप इन्वेजिव स्पीशीज की वजह से ही देख रहे हैं, ठीक है। इस वजह से इनका कंसर्न बहुत हाई है, राइट। ये डिटेल टॉपिक प्लीज आप पढ़ लीजिएगा जब मैं कंपाइलेशन में दूंगी, इंपॉर्टेंट है, साइंस एनवायरनमेंट में पूछा जा सकता है, राइट, देयर इट विल हेल्प यू, ठीक है। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मैंने दे दी है। अब नेक्स्ट है, ये प्रीलिम्स का टॉपिक है, जैसे मैंने आपको कहा स्पीशी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। डस्टेड अपोलो, एक अलग से लिस्ट बना लो स्पीशीज की, वहां लिख लिया करो। डस्टेड अपोलो क्या है, एक बटरफ्लाई की नई टाइप है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसको फोटोग्राफ किया गया है हिमाचल में, हिमाचल में इससे पहले इस स्पीशी को कभी भी फोटोग्राफ नहीं किया गया था। मे बी आती हो बट किसी को पता ही नहीं है क्योंकि फोटोग्राफिक प्रूफ नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट फोटोग्राफिक प्रूफ वी हैव दैट दिस बटरफ्लाई इज प्रेजेंट और इट कम्स टू हिमाचल प्रदेश ऑल्सो, ठीक है। सो ये याद रखना है, डस्टेड अपोलो इज अ बटरफ्लाई, इस पर ही क्वेश्चन आता है। यूपीएससी तो काफी बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है, आप बाकी एग्जाम्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। दे विल जस्ट राइट डस्टेड अपोलो इज अ टाइप ऑफ ए फिश, बी फ्लाई, सी बटरफ्लाई, ऐसा ऐसा कुछ भी डाल देंगे, हनी बी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो इसलिए इसको याद रखो, रेयर हाई ऑल्टीट्यूड बटरफ्लाई है, राइट, बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है, राइट। ऐसे ही रीगल अपोलो, एक और बटरफ्लाई यहाँ स्पॉट की गई है, वो भी रेयर है और वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी प्रोटेक्टेड है। दोनों का नाम याद रखना है, दोनों में से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ज्यादा कुछ इनका यूज नहीं है। नाउ कलेरी पट्टू या वट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज, ये मार्शल आर्ट फॉर्म है, केरला में इमर्ज हुई थी। मेल, फीमेल, एनी कास्ट, हर कास्ट के लोग इसको प्ले करते थे, परफॉर्म करते थे, एंशियंट टाइम से ये चली आ रही है, दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखना फॉर प्रीलिम्स, मार्शल आर्ट फॉर्म है। जैसे पंजाब में गतका सबने देखा होगा, नहीं तो यूट्यूब कर लेना जिसको नहीं पता इतनी बेसिक चीज, गतका क्या होता है, वैसे गतका इज ऑल्सो मार्शल आर्ट फॉर्म, आजकल डांस फॉर्म बन गई है, वैसे ही ये कलारीपट्टू है केरला का, केरला में ओरिजिन हुआ था, अब ये केरला तमिलनाडु के एरियाज में, कुछ एरियाज में पाई जाती है। कलैरी का मतलब ही है यू नो काइंड ऑफ जिम्नेजियम, जहां लड़ाई होगी, लोग भिड़ेंगे, सो वहां से ये नाम पड़ा इसका, कलैरी पट्टू, राइट। सो दिस इज इट, मेल, फीमेल, ऑल कास्ट के लोग सब इसमें परफॉर्म करते हैं और इसे फादर ऑफ मॉडर्न कंग फू भी कहा जाता है। कंग फू जो बनी है वो इसी प्रिंसिपल्स पे, इसी लाइंस पे बनी है, ठीक है। ये फैक्ट्स कुछ याद रखिए, अगेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ग्रामीज अवार्ड आ गए हैं 2024 के, अवार्ड्स पे क्वेश्चन बहुत बार पीपीएससी में देखा गया है, यू कैन एक्सपेक्ट एन क्वेश्चन ऑन ग्रामीज ऑल्सो, इट इज लाइकली बुकर प्राइज वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं, तो किसी भी अवार्ड पे क्वेश्चन आ सकता है, सिनेमैटिक अवार्ड्स पे भी आ सकता है। नाउ इसकी लिस्ट बहुत ही बड़ी है, सबको याद करना इज नॉट वेरी पॉसिबल एंड इवन आई वोंट एडवाइस यू ऑल्सो, बट कुछ कुछ फैक्ट्स है दैट यू माइट ट्राई टू रिमेंबर, सो वो बता देती हूँ। सबसे बड़ा यहाँ पे अवार्ड होता है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड यानी कि गाने से रिलेटेड है, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, माइली साइरस को, फॉर हर एल्बम फ्लावर्स, फॉर हर रिकॉर्ड फ्लावर्स, राइट, ये याद रखना है। सेकंड, एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, दैट इज टेलर स्विफ्ट, मिडनाइट्स के लिए, राइट। आई होप कि आपको इमेज दिख रही है, इमेज देखने से थोड़ा पिक्टोरियल मेमोरी भी बनेगी। शी इज द फर्स्ट पर्सन टू गेट फोर्थ टाइम दिस अवार्ड इन अ यू नो इन दिस ग्रैमीज अवार्ड, किसी को भी चार बार एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं मिला है, बट ये इंसान ने ग्रैमीज में चार बार एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, शी इज द ओनली वन, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है इस फैक्ट पे, ठीक है, ये याद रखना है। देन थर्ड चीज जो याद रखनी है, सॉन्ग ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, व्हाट वाज आई मेड फॉर, फ्रॉम बारबी, बिली एलिश,
ठीक है, सुन सुन लेना, थोड़ा इंजॉयमेंट भी हो जाएगा और एक फैक्ट भी याद रह जाएगा। आज ही जाके प्ले करके देखो, व्हाट वाज आई मेड फॉर, क्या क्या है ये गाने, गुने अच्छे होते हैं इनके। ठीक है, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट विक्टोरिया मोनेट, यहाँ आप देख सकते हैं, शी हैज रिसीव्ड बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड। ठीक है, इसके बाद बहुत लंबी लिस्ट है, आप पढ़ सकते हैं, सारी मैंने प्रोवाइड जरूर की है। एग्जाम से पहले एक दिन अगर आप चाहें तो इनको देख जरूर सकते हैं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आए तो आपके दिमाग में रहे, राइट। इसके बाद जो इसमें से इंपॉर्टेंट डाटा है वो है इंडियन विनर्स के बारे में। ठीक है, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। इंडिया की भी कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिन्हें ग्रैमीज से नवाजा गया है, तो उनके बारे में देख लेते हैं, वहां क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले 5 म्यूजिशियंस इंडिया के हैं जिनको डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं। सबसे ज्यादा 3 अवार्ड्स मिले हैं जाकिर हुसैन को, उस्ताद जाकिर हुसैन, बात आज ताजमहल वाली एड देखी होगी। ठीक है, जाकिर हुसैन साहब, इनको 3 अवार्ड्स ग्रैमी में मिले हैं। एक एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप शक्ति, एक ग्रुप है जिसमें और इंडियन म्यूजिशियंस भी हैं और ये भी हैं, उस पूरी ग्रुप को अवार्ड मिला है फॉर देयर वर्क, तो एक तो उसका पार्ट होने की वजह से इन्हें एक अवार्ड मिला है। सेकेंड अवार्ड मिला है इन्हें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस फॉर पश्तो। ठीक है, इन्होंने कोई म्यूजिक परफॉर्मेंस दी होगी जिसका टाइटल था पश्तो, उसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। देन बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम फॉर एज वी स्पीक, इनकी इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए होंगी इसकी एल्बम, एज वी स्पीक नाम की उनकी एल्बम है, उसके लिए इनको अवार्ड मिला है। राइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रूमेंटल एल्बम का क्या मतलब है। एल्बम्स में नहीं तो गाना पूरा होता है, गाना भी होगा, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पीछे बज रहे होते हैं, पियानो, गिटार, एवरीथिंग, तबला कैन बी देयर। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एल्बम का क्या मतलब है, ये अपना तबला सिर्फ बजा रहे होंगे, उसके लिए इनको अवार्ड मिला है। पूरी एल्बम में अलग अलग तरीके से तबला का परफॉर्मेंस होगा। राइट, सो 3 अवार्ड इनको मिले हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, याद रखो। देन हमारे फ्लूटिस्ट हैं चौरसिया, यानी कि राकेश चौरसिया, राकेश चौरसिया हैं, फ्लूट बजाते हैं ये, इंडियन फ्लूटिस्ट है। इनको भी 2 अवार्ड मिले हैं, 1 फॉर बीइंग अ ग्रुप, एक ग्रुप में ये कोई इंग्लिश ग्रुप है उनके साथ, ये बैंड के साथ गाया था इन्होंने, सो उसके लिए इनको अवार्ड मिला। एंड देन बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस पश्तो, ठीक है, यही इसके लिए इनको सेम अवार्ड मिला है। राइट, एंड सेकेंड इनकी परफॉर्मेंस इन शक्ति के लिए इनको अवार्ड मिला है। राइट, इसके बाद शंकर महादेवन, आपको पता ही होगा, ठीक है, उनके बाद गणेश राजा गोपालन, वो वायलिनिस्ट हैं, एंड देन सेल्वेश विनयक्रम एंड MF हुसैन, इन्होंने कोलैबोरेट करके, इन 4 लोगों ने कोलैबोरेट करके शक्ति ग्रुप बनाया। राइट, और शक्ति के काम के लिए इनको रिकॉग्नाइज किया गया और एक अवार्ड दिया गया। शक्ति वॉन द 2024 ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, दिस मूवमेंट एल्बम का नाम है, शक्ति इनके ग्रुप का नाम है। इसमें ये 4 पर्सनैलिटीज हैं, शंकर महादेवन, गणेश राजा गोपालन, सेल्वा गणेश एंड MF हुसैन, ये याद रखना है। इन सब फैक्ट्स में से उठा के एक आधा क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी काफ़ी है। राइट, सो ये याद रखना है। राइट, टेलर स्विफ्ट एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, हमने देखा, शी इज द ओनली पर्सन टू हैव गॉट एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमीज फॉर द 4th टाइम, कॉन्जिक्यूटिवली जरूरी नहीं है बट 4th टाइम इनको मिल रहा है, ठीक है, ये अवार्ड, सो बहुत अच्छी अचीवमेंट है, इस पे भी सवाल बन सकता है। नाउ लास्ट टॉपिक है, पंजाब ग्रैपल्स विद लो वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, सो ये डाटा आया है, हम अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। सो डाटा क्या कह रहा है, नेशनल एवरेज देखिए आप, वुमेन की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की 36% है, पूरी इंडिया में 36% वुमेन आर वर्किंग, बट पंजाब में आप देखिए सिर्फ 19.7% या ऑलमोस्ट 20% ही है, हरियाणा में 25%। सो ये दोनों स्टेट्स काफी
पीछे हैं अगर आप देखें विमेन, इसका मतलब यही है कि विमेन आर नॉट गोइंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, दे आर नॉट वर्किंग, राइट? दैट मीन्स दे आर नॉट इवन इंडिपेंडेंट ऑल्सो, दे हैव टू डिपेंड ऑन समबडी फॉर देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड नीड्स. दैट मीन्स उनको अटोनमी ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग भी लिमिटेड होगी. सो ये काफी कंसर्निंग है, बट बहुत अच्छा डाटा है, आप अपने एसेज आंसर में यूज कर सकते हैं, पंजाब के बच्चे स्पेशली. सो इसे प्लीज लिख के रखिए, अपने आप को बहुत काम आएगा. राइट, दैट इज ऑल फॉर टूडेज डिस्कशन. आपको कोई भी कंसर्न हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, जस्ट कनेक्ट मी विद थ्रू व्हाट्सएप और कॉल ऑन दिस नंबर. आई विल बी देयर टू हेल्प यू. दैट इज ऑल फॉर टूडे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.